सो गुड आफ्टरनून गाइस, बजे है दोपहर के 2:40। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। फिलहाल अभी मैं आया हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, और इसके बारे में जितनी भी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। तो बस तब तक के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस फिलहाल जो है ना जंतर मंतर में सेम कुतुब मीनार जैसा सिचुएशन है। आपको टिकट निकालना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट करके, जिसका मैं QR कोड यहाँ पे दे दूँगा, जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको 20 रुपये पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप कैश करते हो तो 25 रुपीज़। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, जिससे आपके वो 5 रुपये बच जाएंगे। एंड फॉर फॉरेनर्स द कॉस्ट इज़ अराउंड 250 रुपीज़ अगर इंडियन करेंसी। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। पूरे इंडिया में ऐसे 5 टाइप ऑफ जंतर मंतर है, उसमें से एक तो दिल्ली में है, दूसरा एक उज्जैन में है, वाराणसी में है, और एक मुझे पता है मथुरा में शायद से है। तो मथुरा, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और एक कहीं पे तो है। तो सामने मेरे जो आप देख रहे हो ना, अब इसका पूरा कंस्ट्रक्शन में इसका जो वर्किंग है कुछ इस तरह से है कि ये जो आप देख रहे हो सामने, इसकी जो प्लेन है वो अर्थ के एक्सिस, इंक्लाइंड अर्थ एक्सिस से पैरेलल में है, मतलब दोनों पैरेलल में है। और जो दो आप सेमी सर्कुलर देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट करता है आर्स को। तो जैसे ही सन की जो लाइट है इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, उसकी जो शेडो गिरती है इन दोनों इस पर, उसके अकॉर्डिंगली जो है टाइम पता चलता है। तो काफ़ी यूनिक चीज़ है, सोच सकते हो कि उस ज़माने में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था जब कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, किस तरह से अंदाज लगाया कुछ पता नहीं, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत अद्भुत है और ज़रूर आपको आना चाहिए। फ़िलहाल अभी ये गेट सारे बंद है यहाँ पर, और ये उस ज़माने में काफ़ी एक्यूरेटली टाइम बताता था, सन की पोजीशन, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इस सारी इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता था। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। और बाय द वे इसकी जो टाइमिंग्स है वो शाम के 6 बजे तक है, तो उसके पहले आप आके यहाँ पर विज़िट कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर भी और एक चीज़ मिली है, इसके बारे में मैं आगे बता देता हूँ। तो मेरे सामने जो आप अभी देख रहे हो, जिसको कहते हैं राम यंत्र, और इसका जो काम है ना वो बेसिकली मेजर करता है एंगल्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे कि सन और मून के जो एंगल्स है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उन चीज़ों के बारे में, और उन चीज़ों को ये मेजर करता है। इसकी हाइट अगर देखोगे तो 7.5 डिग्रीज़ है, और 36, और उसमें अलग अलग सेक्शंस भी है जो एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से इसका आर्किटेक्ट है। सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है एक, जैसा आप देख सकते हो, और इसका भी एक एंगल है। इसमें टोटल 30 सेक्शंस है, और एक सेक्शन जो है 6 डिग्रीज पे है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो सेक्शंस दिख रहे हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 6 डिग्रीज है। ऐसे कुछ 60 या 30 है। जैसे कुछ जो आप सर्कुलर पार्ट देख रहे हो, ये जो सेक्शन देख रहे हो 30 है। फिलहाल अभी वक्त आ गया है घर जाने का, और छोटा सा लॉन भी है यहाँ पे चलने के लिए, अच्छे से रास्ते देख सकते हो यहाँ पे जो पाथवे है चलने के लिए, और काफ़ी ग्रीन भी है, और एनवायरनमेंट फ़िलहाल तो अभी का अच्छा है, मतलब धूप गिरी है सुबह से काफ़ी ठंड थी, अब जाके कहीं पर धूप निकली है, एंड ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। स्पेशली किड्स को यहाँ पे आना मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा होगा,
काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, साइंटिफिक, अगर जिसको बहुत ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट है और उनको पता करना है किस तरह से ये वर्किंग करता है, डेफिनेटली आपको आना चाहिए, एक बार इसको विज़िट देना चाहिए। और एक चीज़ और दिखानी थी, वो दिखा के फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे भी और एक स्ट्रक्चर है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी गई है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो भी जो है मून के एंगल्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो बस यहाँ से अब निकलने का देख रहा हूँ, यहाँ से रास्ता है, वहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन सच में कहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, जैसे मैं कह रहा था, तो जिन जिन को इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली साइंस वाले स्टूडेंट्स, ज़रूर विज़िट करना। गाइस बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी जो टिकट थी वो सिर्फ आज के दिन मतलब 1 डे के लिए वैलिड है, तो उसका खास ध्यान रखना। टिल देन टेक केयर, और बाकी व्लॉग आने वाले हैं उसको ज़रूर देखते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।